नमस्कार दोस्तों, सुशील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जो खबरें छिपाता नहीं दिखाता है। लॉकडाउन होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को खाने पीने राशन और किसी भी प्रकार की कमी या समस्या ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा हुआ है। वहीं कुछ दुकानदार जनता को मूल्य से ज्यादा ब्लैक में सामान बेच रहे हैं और आम आदमी को मजबूरी में लेना भी पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन के चलते कामकाज आमदनी बंद है, ऊपर से इन दुकानदारों की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से आम आदमी की जेब खाली करनी पड़ रही है। इस ब्लैक मार्केटिंग की सूचना आज पिलखुवा सीओ तेजवीर सिंह को मिली, जिस पर सीओ पिलखुवा खुद एक आम आदमी बनकर सिविल में गए और दुकानदार से सामान खरीदा। सीओ पिलखुवा को आम आदमी समझकर दुकानदार द्वारा मूल्य से अधिक दाम पर सामान दिया गया। कस्बा पिलखुवे के किराना की दुकानों के संबंध में ऐसी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ दुकानदारों के द्वारा आम जनता से ज़रूरत की चीज़ों के संबंध में ओवर प्राइसिंग की जा रही है, निर्धारित मूल्य से ज़्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा एक रेट निर्धारित किया गया है सभी चीज़ों का। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी धौलाना और मेरे द्वारा एक इसमें टीम तैयार की गई, जिसमें स्वयं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में जाकर कुछ दुकानों पर सामान की खरीदारी की गई है। आज दो दुकानों पर ऐसी कार्रवाई हुई है, सामान काफ़ी उनसे जो खरीदा गया है उसके मूल्य में, उनके द्वारा जो चार्ज किया गया मूल्य है और प्रशासन के द्वारा निर्धारित मूल्य में कुछ अंतर पाया गया है। इस कारण से फूड सेफ्टी की टीम को बुलाकर इसमें विधिक कार्रवाई दोनों दुकानदारों के विरुद्ध की जा रही है। सारी सच्चाई आंखों से देखने के बाद तेजवीर सिंह जी ने दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बन रही है हापुड़ हलचल के साथ।